गुड मॉर्निंग सबका। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम लोग बैठे हैं अभी योगा सेशन पे। योगा चालू है, इरफान एंड मानू योगा कर रहे हैं। हम लोग अभी इसी रोड पे बस रनिंग कर गए, यूं गए सामने पेट्रोल पंप। और ये मानू है, योगा कर रहे हैं, वो वाला फोबिया वाला योगा इनको हो गया है चिल्लाने का, चिल्ला रहे हैं। ये योगा है, ये तो योगा हमेशा योगा ही करते हैं। ट्रैक्टर खेत जोतिंग एंड खेत में फिशिंग। सूरज इज राइजिंग, सन इज राइजिंग एंड बहुत ही ब्राइट है। सुबह की हवा इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर ब्रेन, गुड फॉर बॉडी, एवरीथिंग। सो सुबह सुबह दौड़ने में बहुत मजा आता है यार, ये देखो मस्त। और यहाँ का जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ही फ्रेश और ग्रीन है। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ का जो ऑक्सीजन है, यानी इनहेल एक्सहेल करने के लिए बहुत मज़ा आती है। इनहेल एक्सहेल हम करते हैं तो हमारे अंदर जो सांस जाती है वो बहुत फ्रेश होती है, वो फ्रेश होती है, बहुत ही क्लियर होती है विदाउट डस्ट। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, अपनी हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं जो हम करते हैं, अगर आपको एक्सरसाइज बताएंगे माय बहुत अच्छा चला था। मगर हम योगा की सीट पे बैठते हैं तो नाव हम योगा करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया क्लियर है, कैसे करते हैं क्लियर, क्लियरिटी देखो, क्लैरिटी बहुत एकदम दाला की बात मत करो, हम आपको योगा करना सिखाएंगे। चलो गाइस रेडियो जाओ योगा करने के लिए। सबसे पहले योगा हम करेंगे एब्डोमेन का, ये इसका एक उसको रिड्यूस करना है। तो हमारे पास एक एक्सरसाइज है, पहले तो आप ये ऐसे बैठ जाइए, अपनी जो भी कंफर्ट है उस पर बैठ जाओ, ये ज़्यादा बेटर होगा। और आपको करना क्या है, बस सांस इनहेल एक्सहेल, यानी सांस अंदर लेना है, सांस बाहर लेना है, विथ इफेक्ट, यहाँ पर इफेक्ट करना चाहिए एब्डोमेन पे। तो ये फैट होगा, ये दर्शक हमारे ये पेट है जो आपको 2-4 मिनट करना है एक स्टेप, उसके बाद रिलैक्स करिए, फिर करिए कम से कम 5-6 बार, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो, मतलब ज़्यादा नहीं करिए, उसके साथ आप ये हो गया। और यहाँ पे एक्सरसाइज और बताऊंगा, ये जो बैठने वाला है सबसे डिफिकल्ट होता है बैठना, लोग बहुत सारे लोग बैठ नहीं पाते, करके बिल्कुल अच्छा होता है, ये भी काफ़ी फ्लेक्सिबल करती है अपनी बॉडी। तो ये यहाँ से आपको माउथ को टच करना है, इधर टच करना है, अगर मेरा तो नहीं जाता यहाँ तक जाता है जाता है वो भी बहुत ही मुश्किल से, लेकिन अगर एक दो दिन छोड़ दूं तो नहीं जाता, एक बार जाता है फिर चला जाता है। और तो दूसरी वीडियो हम आपको बताएंगे अभी, ये मैं तो बहुत मेहनती लड़का, कभी भी किसी को जरूरत हो तो इसे कॉल करो, उसका नंबर मिल जाएगा आपको, घर बैठे काम मिल जाएगा। चलो याद नहीं है दोबारा तो। और आपको मैं सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा जो हर लोग, काफी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं सारे लोग जानते हैं, ये नॉर्मली गांव में हर जगह हर कोई बॉडी बिल्डर हो
योगा हो या मार्शल आर्ट हो, ये है नमस्कार हमारा, जो काफी बेस्ट लगे इसका करने का तरीका होना चाहिए। आपको कैसे करना है, ये आपको जो नीचे का आपका हिस्सा है उसको ऊपर लेना है, यहाँ से करके ऊपर पहुँचना। तो इससे क्या होगा, आपका जो ट्राइसेप्स है इस पर असर पड़ेगा, आपका शोल्डर है, आपका चेस्ट है, और पेट तो पेट पर भी फर्क पड़ता है, पेट भी कम पड़ता है। आपको कम से कम 10 से मतलब मैक्सिमम 10 नहीं, मैं तक नहीं करता, 30-40-50 जितना आपका स्टेमिना है आप उतना मैक्सिमम कर सकते। एक सेट करके रिलैक्स करके कम से कम 5 सेट और पुशअप भी मार सकते हो। पुशअप कई तरीके से हैं, ये पुशअप और ये जंपिंग है, आप इसको मार सकते हो। आपके ये जो बॉडी है थोड़ा सा वो हो जाएगी। अभी सामने डुबल टाइम रहता है और ये कम से कम आप पता है, मैं तो 100 मारता हूँ, लेकिन 50-60 लोग आई थी साइड वाले, बहुत सारे। ये सब तो नॉर्मल एक्सरसाइज हमने बताई आपको, नॉर्मल एक्सरसाइज मतलब वार्म अप करने के लिए। रनिंग में आप अगर अपनी बॉडी को वार्म अप करना है तो आप ये करिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। और सूरज निकल चुका है तो हमें यहाँ से अब अलविदा लेना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है सूरज के पहले किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। हम लोग कुछ 6 बजे आते हैं और 7:45 तक बंद कर देते हैं। तो ये वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ वार्म अप के लिए, मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर बनाऊँगा तो बताऊंगा, ओनली योगा, नॉट जिम। जिम करता था बट अब नहीं करता, तो जिम रिलेटेड, वेट लिफ्टिंग के रिलेटेड मैं तुमको कुछ बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ योगा के बारे में, यानी आप फिट कैसे रहो, अपने वेट को कैसे स्टेबल कर सको। फिट रहना है हमें, इंडिया को फिट करना है हमें, भी फिट रहना है। तो आई विल ट्राई कि फिट कैसे रहना है और फिट कैसे रखना है अपने आप को। एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट मेन है आपका, डाइट से। तो एक्सरसाइज ही सब कुछ नहीं, आप एक्सरसाइज करोगे और फिर डाइट में वही आप ऑयली कोलेस्ट्रॉल फूड, जंक फूड्स ये सब खाओगे तो आपका एक्सरसाइज करने से कोई मतलब नहीं। तूफान आ रहा है देखो, हाँ। तो दोनों चीज़ होती है, डाइट और एक्सरसाइज। ओके, तो ठीक है, चलते हैं, दुआ में याद रखना और गुड बाय, हैव अ गुड डे।